हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी अरेस्ट ऑफ पर्संस। सेक्शंस हैं 41 से 60 ए तक। सारे पीवाईक्यू हम देखने जा रहे हैं इसके। स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। ठीक है, किसको हम विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते? तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। जिसने नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है विदाउट वारंट हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन राजस्थान एपीओ में आया है 2005 में। नाउ नेक्स्ट है, विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट। तो देखिए, जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये भी लीडिंग केस है अरेस्ट का। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज डी के बासु। तो जोगिंदर कुमार और डी के बासु दोनों ही केस अरेस्ट के लीडिंग केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। किसको नहीं कर सकती अरेस्ट विदाउट वारंट? जिसने कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है। ठीक है, हु हैज़ इन हिज पोजिशन विद लॉफुल एक्सक्यूज एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। मतलब जिसके पास कि लॉफुल एक्सक्यूज है हाउस ब्रेकिंग करने के, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट तो है। ठीक है, कोई इम्प्लीमेंटेशन की कोई टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंट्स है हाउस ब्रेकिंग के, लेकिन लॉफुल एक्सक्यूज है उसके साथ कि मेरे पोजीशन में ये चीज़ें क्यों हैं। जैसे हो सकता है कि वो उस टाइप का बिजनेस करता हो, उसका लोहे का हो काम। ठीक है, और उसके पास हाउस ब्रेकिंग के इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको उसका बिजनेस ही यही है कि वो ऐसी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आप उसको नहीं अरेस्ट कर सकते। देखिए, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाई ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। हु ओवरस्टेप पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। ड्यूटी पे हुए पुलिस ऑफिसर को ओवरस्टेप करता है ड्यूटी से, ये भी गलत है, तब भी अरेस्ट कर सकते हैं। हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बींग डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन। यूनियन की जो आर्म्ड फोर्सेज है उसके डेजर्टर है, सस्पेक्टेड है उसका भगौड़ा जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ए, लॉफुल एक्सक्यूज है जिसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के विदाउट वारंट। किसको अरेस्ट कर सकता है? 41 में है, सेक्शन 41 में, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। कब एक पुलिस अरेस्ट कर सकती है पर्सन को विदाउट वारंट, जबकि उसने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है? इन केस ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस ओनली, इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली, डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ओनली। तो देखिए, तीनों ही केसेज में अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या आर्म्ड फोर्सेज से डेजर्टर है, तीनों ही केसेज में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स से ज़्यादा के लिए डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट। पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट किसी अक्यूज्ड को सेक्शन 41 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैव द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन बीन इन्यूमरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किस केस में अरेस्टेड पर्सन की राइट्स को बताया गया है? तो यह है डी के वासु का केस। इसमें अरेस्ट की गाइडलाइन दी हुई है सारी, डी के वासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट अबाउट द राइट ऑफ बेल If the offense is non-bailable। मतलब किस सेक्शन में ये बताया गया है? मैंडेटरी है ये सेक्शन, मैंडेटरी सेक्शन है पुलिस ऑफिसर के लिए इन्फॉर्म करना जिस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है कि आपको बेल लेने का राइट है, आपका ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल नहीं है। मतलब आपका ऑफेंस बेलेबल है, आपको बेल मिल सकती है, आप अपने किसी भी रिलेटिव को या फैमिली मेंबर को बोल के अपनी बेल करवा सकते हो। यह आपको बताना होगा किस सेक्शन में है ये,
यह है सेक्शन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। आंसर है, देखिए पुलिस विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है, जिसने कि हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और प्रोक्लेम्ड घोषित किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है, यानी सी आएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, अंडर CRPC 1973 इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, वेदर सच पर्सन हैज बीन एडमिटेड टू वेल और अदरवाइज, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल रिपोर्ट टू, मतलब CRPC के अंदर यदि पर्सन को अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, विदाउट वारंट अरेस्ट किया है उसको, ठीक है, और वेदर सच पर्सन हैज बीन एडमिटेड टू बेल, उसको बेल दी जानी है, अदरवाइज कोई बात है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल रिपोर्ट टू, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, जो ऑफिसर इंचार्ज है वो किसको रिपोर्ट करेगा, तो वो करेगा DM को, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इफ ही सो डायरेक्ट टू द SDM। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोविजन स्टेट्स दैट अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट विदाउट ए वारंट। ठीक है, कौन सा सेक्शन है ये कि प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट विदाउट ए वारंट, 43 का सबसेक्शन 1, ऑप्शन ए आ जाएगा, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है, ए इज ए मजिस्ट्रेट इन हिज प्रेजेंस वन मर्डर टू प्लेस ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, वेदर ही कैन अरेस्ट द कल्प्रिट हिमसेल्फ, यस कर सकता है, उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो भी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वह कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CPC प्रोहिबिट्स अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर मनी, मतलब CPC का कौन सा सेक्शन है जो कि अरेस्ट और डिटेंशन को प्रोहिबिट करता है अगर मनी डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो, ये कौन सा है, सेक्शन 56 है CPC का। नेक्स्ट चलो, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस कैन अरेस्ट एन एक्यूज्ड विदाउट वारंट, विदाउट वारंट किस सेक्शन में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्या होगा आपका, सेक्शन 41 विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी ऑफ द पर्सन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी, देखिए दोबारा, ड्यूटी ऑफ द पर्सन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द CRPC अंडर सेक्शन 55A, मतलब ऑप्शन बी आएगा आपका, उसमें 55A में क्या बताया है, अक्यूज्ड पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी की बात की गई है, जो अक्यूज्ड पर्सन है अगर वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी की बात की गई है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC authorizes to any police officer to arrest any person without an order by a magistrate and without a warrant, section 41, answer ho jayega aapka D, theek hai, section 41 without order of magistrate and without warrant arrest ki baat karta hai। Next question hai, police officer in all cases where the arrest of a person is not required under section 41 subsection 1 of CRPC against whom a reasonable complaint has been made that he has committed a cognizable offence, then police officer kya karega, police officer shall issue a notice directing that person to appear before him or at such other places as may be specified in the notice। dekhiye kya bola hai is question mein ki पुलिस ऑफिसर ऐसे सभी केसेस में जहाँ पे कि पर्सन को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कब, अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर सकते हैं, फिर भी अरेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है,
उस पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट आई है जबकि कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो ऐसे में क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर उस पर्सन के लिए एक नोटिस इशू करेगा उसको डायरेक्ट करते हुए कि उस पर्सन को जो भी नोटिस में स्पेसिफाइड प्लेस है, स्पेसिफाइड टाइम है, उस जगह पर उसको अपीयर होना है। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। क्या क्वेश्चन है? ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। किस किस केस में? एज प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ प्रिवेंट की है या प्रिकॉशन के रूप में करना है। फॉर ऑब्टेनिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस। सी है फॉर सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल द अबव। सारे ही रीजन में क्या कर सकते हैं? हम अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पॉइंट आउट करना है। देखिए, इन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कॉग्निजेबल ऑफेंस के किस्म में कोई पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सही है। बी क्या कहता है? प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन कमिटिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। ठीक है, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा या अरेस्ट करने का कोई रीज़न होता है उसके पास जिसने कि कोई कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है, तो ये भी सही है। ध्यान रखना, कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल है, एंड आएगा बीच में। सी पॉइंट है, एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में अरेस्ट द ऑफेंडर व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस एंड विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। क्या है? EM जो होता है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो भी किसी ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं यदि ऑफेंस उनकी खुद की प्रेजेंस में हुआ है और उनके ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द फेमस केस ऑफ डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटेंस गाइडलाइंस इन विच रेस्पेक्ट। डी के वासु के केस में अरेस्ट ऑफ पर्सन की गाइडलाइन है, अरेस्टेड पर्सन के लिए क्या गाइडलाइन है, वो दी है डी के वासु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट समबड़ी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर क्या है? किसी पर्सन को जो कि अक्यूज्ड है किसी का ऑफेंस का, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। किस काम से? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। ऐसे पर्सन को रोकना कि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना करे। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। सारे ही सही हैं। ठीक है, फर्दर ऑफेंस को रोकने के लिए, केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए और एविडेंस की टेम्परिंग ना हो, इसके लिए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजनेबल सस्पिशन डेट के इज इन्वॉल्व इन अ मर्डर केस। क्या है? रीजनेबल सस्पिशन है पुलिस ऑफिसर के पास, तो क्या होगा? इन्फॉर्म द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया, अरेस्ट के विदाउट वारंट, ऑब्टेन वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। आपका आंसर होगा अरेस्ट के विदाउट वारंट, क्योंकि रीजनेबल सस्पिशन होने पर अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल केस है मर्डर का, के को अरेस्ट कर लेंगे विदाउट वारंट। नेक्स्ट है, ड्यूटी ऑफ ए पर्सन मेकिंग अरेस्ट इंक्लूड्स। अरेस्ट करने वाले पर्सन की ड्यूटी में क्या इंक्लूड है? तो देखिए, गिविंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड प्लेस ऑफ डिटेंशन टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स रिलेटिव और नॉमिनीज। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके लिए क्या ड्यूटी बनती है कि इन्फॉर्मेशन देना। अरेस्ट अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो ड्यूटी क्या है कि उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि उसको अरेस्ट किया गया है और इस प्लेस पर उसको डिटेन करके रखा है। किसको देना? फ्रेंड्स को, रिलेटिव को या नॉमिनी को। अच्छा, इन्फॉर्मिंग द पर्सन ऑफ हिज राइट्स एज सून एज ही इज ब्रॉट द पुलिस स्टेशन। उसको अपने राइट्स के बारे में बताया जाएगा। एंड एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु इज द पर्सन इन्फॉर्म। इस फैक्ट की एंट्री करना कि किसको आपने इन्फॉर्म किया है अरेस्ट के बारे में। इन ए बुक कैप्ट इन पुलिस स्टेशन फॉर दिस पर्पज। ठीक है, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ ए नोटिस फॉर अपीयरेंस अंडर सेक्शन 41A ऑफ द CRPC और इज अनविलिंगली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ द पुलिस ऑफिसर। देखिए क्या कह रहा है कि
यदि एक पर्सन फेल हो जाता है कंप्लाई करने में, अपीयरेंस, उसको अपीयरेंस होने के लिए बोला कि आपको जब नोटिस आएगा, मतलब नोटिस दिया जाता है जिस समय पर आपको अपीयर होना है, आपको आना है, अगर वो कंप्लाई नहीं करता सेक्शन 41 सबसेक्शन ए क्लॉज ए को ऑफ द CRPC तो, और अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर पास करेंगी, ऐसे ऑर्डर देगी उसको जैसे कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किए हैं, अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। आपका आंसर होगा ए, यही आपका आंसर है कि वो ऐसे ऑर्डर देंगे जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके बिहाफ में पास किए हैं और उसको अरेस्ट किया जाएगा नोटिस में जो भी ऑफेंस मेंशन है उसके लिए, ठीक है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। आंसर होगा आपका सेक्शन 57। क्या बोला है देखो कि किस सेक्शन में अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है सारे एग्जाम्स में, AIB में आया है देखो यहाँ पर, ये सेक्शन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर अरेस्टिंग द पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड इन द CRPC अंडर। देखिए अरेस्ट जो अरेस्ट का प्रोसीजर है और ऑफिसर की ड्यूटी जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है वो किस सेक्शन में दिया गया है, 41B में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन द प्रोविजन डेट पुलिस ऑफिसर व्हेन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट कैन नॉट कीप इन हिज कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, ये किस में बताया गया है, अंडर सेक्शन 57। ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 60A CRPC ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड, अंडर सेक्शन 60A की बात की गई है यहाँ, तो आपका होगा 60A में ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, यदि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, ठीक है, सेक्शन 60A के अंदर पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, यदि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में उसने ऑफेंस कमिट किया है ऑन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिट होने की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 ईयर प्लस का उसने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 ईयर प्लस है। नेक्स्ट है ऑन ए कंप्लेंट बाई विक्टिम, विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट करने पर व्हेन ए पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट कंसर्न पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट करने पर कि पुलिस ऑफिसर के पास, मतलब विक्टिम ने कंप्लेंट की है और पुलिस ऑफिसर के पास विश्वास करने के पूरे कारण है, पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट कंसर्न पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा अंडर ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, मतलब देखिए या तो उसने कोई पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस किया है या उस 7 साल से ज़्यादा का कोई ऑफेंस किया है, पुलिस ऑफिसर के पास क्या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि 7 ईयर प्लस का पनिशेबल उसने कोई ऑफेंस किया है, या फिर विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट करने पर पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि कंसर्न पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिपोर्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी गिवन बाई द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2। ठीक है, विदाउट वारंट कोई पर्सन अरेस्ट किया गया है तो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज जो है पुलिस स्टेशन का वो किसको इन्फॉर्म करेगा, तो देखिए किसको करेगा, आइदर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, आइदर टू DM और SDM। नेक्स्ट है आपका इन ए फेमस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिलेटेड टू द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आंसर आएगा आपका DK Basu वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें अरेस्ट की गाइडलाइन दी हुई है। ठीक है, DK Basu। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का है एन एक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन गारंटेड
द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर एंड कॉज ऑफ एक्यूजेशन. एक्यूज पर्सन को क्या है, गारंटीड राइट टू इन्फॉर्म है कि उसको उसने क्या एक्यूजेशन किया, किस कारण से उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसका नेचर क्या है ऑफेंस का. रीजन है द एक्यूज पर्सन कैन गेट हिज कन्विक्शन क्वेश्ड अपॉन वैग एंड ऑब्सक्योर चार्जेज. जो एक्यूज पर्सन है वह अपनी कन्विक्शन को क्वेश कर सकता है, खत्म करवा सकता है अगर उसको वैग एंड ऑब्सक्योर चार्जेज लगाए गए हैं. ठीक है, ये बताया गया है ए इज ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इसलिए नहीं बताया जा रहा कि वो ताकि अपनी कन्विक्शन को क्वेश करवा दे, नहीं, उसको इसलिए राइट टू इन्फॉर्म क्योंकि अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको पता तो होना चाहिए कि किस बिहाफ पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक है, ये उसका राइट टू नो है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप कैन बी मेडिकली एग्जामिन्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन. इसमें क्या है, इवन बाई फोर्स. मतलब देखिए, कोई अगर रेप का एक्यूज्ड है, मतलब रेप का चार्ज लगाए किसी पर्सन को, उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाना है, अब वो मना कर रहा है कि मैं नहीं करवाऊँगा, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट है कि नहीं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए क्योंकि ये रेप एक्यूज्ड है. ठीक है, तो अगर ये क्या बोल रहे हैं कि ओनली आफ्टर ओरल कंसेंट ऑफ पर्सन, पर्सन की कंसेंट लेनी पड़ेगी ओरल में, रिटर्न में, या केवल कोर्ट के ऑर्डर के पर ही कर सकते हैं. नहीं, अगर वो नहीं भी करवा रहा ना, इवन बाई फोर्स, फोर्स के द्वारा भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए रेप एक्यूज्ड का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन 59 CRPC द डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाई अ पुलिस ऑफिसर कैन टेक प्लेस. देखिए सेक्शन 59 है CRPC, उसमें डिस्चार्ज है, अरेस्टेड पर्सन का डिस्चार्ज करना. तो पुलिस ये क्या कह रहे हैं कि किस सेक्शन में बताया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाई ए पुलिस ऑफिसर कैन टेक प्लेस. अरेस्टेड पर्सन का डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, ऑन हिज ऑन बॉन्ड, ऑन बेल, अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, डी है ऑल ऑफ देम. तो देखिए सारे ही चीज़ें, उसका खुद का बॉन्ड भी हो सकता है या उसको बेल पर डिस्चार्ज किया जा सकता है. ठीक है, जिसको बेल पर डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, बॉन्ड पर डिस्चार्ज किया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर आए हैं उस पर्सन के लिए तो भी डिस्चार्ज किया जा सकता है. आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट करेक्ट स्टेटमेंट. ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस. आपका ए ऑप्शन तो सही है. नेक्स्ट है एन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस एंड विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन. ये भी आपका सही है. नेक्स्ट है एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट हु हैज़ बीन कंसर्न इन एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस. कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है तो विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं. ये भी सही है. तो आपका आंसर होगा डी, ए बी सी आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. देखिए बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द CRPC 1973. सही है, बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, जिनको कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है. नेक्स्ट है बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स. ये भी सही है, मतलब या तो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल है या किसी एनी अदर लॉ में टाइम बींग इन फोर्स उनको बेलेबल बताया. नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस विच इज़ नॉट बेलेबल. जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है. ये सही है. डी ऑप्शन है पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट टू एन एक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस इन ऑल द सिचुएशन. ये आपका आंसर होगा क्योंकि विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती किसी एक्यूज्ड को इन ऑल द सिचुएशन. गलत है, ऑल द सिचुएशन में अरेस्ट नहीं कर सकती, गलत है, कुछ सिचुएशन में अरेस्ट कर भी सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड हु विल सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर CRPC. देखिए इफ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि अरेस्ट, जो जिसको कि आइडेंटिफाई करना है अरेस्टेड पर्सन को, और वो खुद ही डिसेबल है मेंटली एंड फिजिकली, तो हु विल सुपरवाइज द प्रोसेस. जो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है उसको सुपरवाइज कौन करेगा,
वो करेगा जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। देखिए, ए पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट और वारंट ऑफ अरेस्ट इफ ही हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट हिज कॉम्प्लिसिटी इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years प्रोवाइडेड डेट ही इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन्स इन राइटिंग डेट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। क्या कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की पावर होती है किसी पर्सन को विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और वारंट ऑफ अरेस्ट। यदि उसके पास सस्पेक्ट करने का रीजन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें कि 7 years प्लस की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट ही सेटिस्फाइड फॉर रीजन इन राइटिंग, वह राइटिंग में रीजन दे सकता है कि यह अरेस्ट नेसेसरी है, इस व्यक्ति को अरेस्ट करना नेसेसरी है, यह आपका सही है ना। देखिए, किस किस कारण से टू प्रिवेंट सच, ये तो एक थ्योरी थी, उसके रीजन देखो, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम द कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, सही है, फर्दर ऑफेंस से रोकने के लिए, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, ये भी सही है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, फॉर प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टैम्परिंग विद और कॉजिंग द एविडेंस ऑफ ऑफेंस टू डिसअपीयर, ठीक है, टैम्परिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट है टू कंपेल द एब्सकॉन्डिंग को अक्यूज्ड टू सरेंडर, ये नहीं है आपका ऑप्शन, बेयर एक्ट में नहीं है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर CRPC ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वॉरंट हु कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, सही है। तो देखो, पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वॉरंट के अरेस्ट कर सकती है, कब, जबकि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सही है। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, यानी जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है अंडर दिस कोड और बाई एन ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हु ऑबस्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी, लॉफुल ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में वह पुलिस ऑफिसर को ऑबस्ट्रक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, इन अबव ऑल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है, अरेस्ट ऑफ पर्सन इज कवर्ड अंडर चैप्टर ऑफ CRPC, तो चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन दिया गया है, ठीक है, अरेस्ट ऑफ पर्सन इज कवर्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। ए पर्सन अरेस्टेड बाई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट शैल बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले, पर्सन जिसको कि पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया पुलिस ऑफिसर ने, उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा विदाउट अननेसेसरी डिले, सही है आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन और देख लो इसके ऑप्शन, डिटेंशन ऑफ पर्सन इन पुलिस कस्टडी अरेस्टेड विदाउट वारंट कैन नॉट एक्सीड 24 hours इवन बाई स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये आपका गलत है, क्यों, कैन नॉट एक्सीड 24 hours इवन बाई स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है तो आप उसको रख सकते हैं ना कस्टडी में। नेक्स्ट है, पुलिस ऑफिसर शैल डिस्चार्ज द पर्सन अरेस्टेड ऑफ बेलेबल ऑफेंस विदाउट एनी बॉन्ड और बेल, गलत, बेलेबल ऑफेंस है तो बेल तो देनी पड़ेगी ना, या कोई बॉन्ड भरना पड़ेगा, इन दोनों के बिना आप कैसे डिस्चार्ज करोगे, तो आपका आंसर ए सही है और सब रहोगे, RJS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट द पर्सन हु कमिट्स नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, डी ऑप्शन आ जाएगा, कमिट्स नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज दिनेश कुमार हेल्ड डेट अरेस्ट इम्प्लाइज, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज दिनेश कुमार के केस में क्या कहा गया, देखिए कि एप्रीहेंशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर और द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन इंक्लूडिंग व्हेन ही इज इन द जुडिशियल कस्टडी और सरेंडर बिफोर द कोर्ट और सबमिट्स टू इट्स डायरेक्शन, क्या कह रहे हैं कि जो एक्यूज्ड का एप्रीहेंशन है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड टू कस्टडी
ठीक है, कस्टडी में लिया जाता है सबमिशन को बाय वर्ड और एक्शन, जबकि वह जुडिशियल कस्टडी में हो, और बिफोर सरेंडर बिफोर द कोर्ट, ठीक है, और सबमिट्स टू इट्स डायरेक्शन। तो यह है दिनेश कुमार के केस में ये चीज़ कही गई है, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ़ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है, अगर अरेस्टेड पर्सन है जो कि किसी कस्टडी से भाग रहा है, तो कितना है पुलिस ऑफिसर कहाँ तक उसको सर्च कर सकता है, इंडिया की किसी भी प्लेस में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है कौन सा है, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड टू एनी ऑफ हिज रिलेशंस और फ्रेंड, गलत है, पुलिस ऑफिसर नॉट बाउंड, गलत है, बाउंड है कि वो है किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे। नेक्स्ट है, ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट यूज फोर्स टू एग्जामिन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द पुलिस फॉर सच एग्जामिनेशन, ये भी गलत है, क्योंकि रेप एक्यूज्ड है ना, वो रेप एक्यूज्ड है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो फोर्स का यूज कर सकता है, ठीक है, अगर उस वो नहीं करवाना चाह रहा है अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, तो फोर्स यूज करके उसको पकड़ के दबा के उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, तो आपके दोनों ही गलत है, नाइदर वन नोर टू, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए, इलीगल अरेस्ट डज नॉट विशेट द ट्रायल, अगर अरेस्ट इलीगल किया गया है तो ये ट्रायल को विशेट नहीं करेगा, ट्रायल को दूषित नहीं करेगा, तो ये सही है, ठीक है, अरेस्ट इलीगल हो सकता है लेकिन ट्रायल तो सही चल रही है तो ट्रायल विशेट नहीं होगी। नेक्स्ट है, ए कन्फेशन इज नॉट इनवैलिडेटेड बाय द इलीगल अरेस्ट, अगर अरेस्ट इलीगल हुआ है लेकिन पर्सन कन्फेस कर रहा है तो वह इनवैलिडेट नहीं होगा। नेक्स्ट है, मियर कीपिंग अ पर्सन इन पुलिस स्टेशन और रेस्ट्रिक्टिंग हिज मूवमेंट्स विद इन द प्रिसेंट्स ऑफ ए पुलिस स्टेशन अमाउंट्स टू अरेस्ट, मतलब पुलिस स्टेशन में किसी पर्सन को रखना और उसके मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, तो वह क्या अरेस्ट माना जाएगा, माना जाएगा। नेक्स्ट है, अरेस्ट नीड नॉट बी टू बाई हैंड कफिंग ए पर्सन बट कुड बी कम्प्लीटेड बाई स्पोकन वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि आप हैंड कफिंग करके ही अरेस्ट करें, ठीक है, वर्ड्स को बोलकर भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो आपके इसमें चारों ही करेक्ट हैं, चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू अरेस्ट एग्जिस्ट द वुमन पुलिस ऑफिसर शैल ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी परमिशन लेगी, जे एम वन की परमिशन ली जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC 1973 प्रोहिबिट्स द मेल ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ ए वुमन वाइल मेकिंग द अरेस्ट, ये किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 46(1) में, 46(1) में दिया गया है, क्या बोला गया है, प्रोहिबिट्स मेल ऑफिसर, मतलब जो मेल पुलिस ऑफिसर हैं वो वुमन को अरेस्ट करते हुए उसकी बॉडी को टच नहीं करेंगे, ठीक है, वुमन को टच नहीं करेंगे उसको अरेस्ट करते हुए। नेक्स्ट है, पावर टू सर्च अ प्लेस इज प्रोवाइडेड अंडर, सर्च कहाँ दिया गया है, सर्च दिया हुआ है सेक्शन 47 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 50 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स डेट एवरी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, सेक्शन 50 CRPC का, उसमें जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको बताया जाएगा विदाउट वारंट अगर अरेस्ट कर रहे हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और आपको बेल का राइट है या नहीं है। इफ़ द अरेस्ट इज मेड फॉर अ बेलेबल ऑफेंस, यदि बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रहे हैं तो आपका राइट टू बेल है, ये उसको बताया जाएगा। वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन, क्या इफेक्ट होगा, इट सेल रेंडर द अरेस्ट
एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इलीगल एंड शैल इनेबल द पर्सन अरेस्टेड मूव फॉर हैबियस कॉर्पस टू ऑब्टेन हिज रिलीज। अगर उसको सेक्शन 50 में जैसे किसी पर्सन ने कॉग्निजिबल ऑफेंस किया है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने गए हैं तो उसको बताना होगा कि आपके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, किस बिहाफ पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और अगर आपने अगर ऑफेंस बेलेबल है तो बताया जाएगा कि आपका बेल लेने का राइट है, आप बेल ले सकते हैं। और अगर ये सब प्रोसीजर फॉलो नहीं किए और डायरेक्ट उसको अरेस्ट करके लिया है तो क्या होगा, तो जो अरेस्ट और डिटेंशन पुलिस ऑफिसर ने किया है उस पर्सन का, उसको इल्लीगल माना जाएगा, ठीक है। और जो पर्सन है उसके घर वाले हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं और उसको रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इल्लीगल डिटेंशन हो गया। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड अराउंड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल। मतलब पर्सन को बताया जाता है कि आपका राइट टू बेल दिया जाता है, आपको आपका राइट टू बेल है, आप बेल ले सकते हैं। किस सेक्शन में है? सेक्शन 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ बेल इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल। क्या बोल रहे हैं, मैंडेटरी होता है पुलिस ऑफिसर के लिए वे इन्फॉर्म करें अरेस्टेड पर्सन को और उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए और राइट ऑफ बेल बताए यदि ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। ये किस में दिया गया है? सेक्शन 50 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अरेस्टेड हैज़ ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इन ब्रीफ ओनली, इन ब्रीफ इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, इन डिटेल, इन डिटेल एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा तो वो किस तरीके से बताया जाएगा, तो उसको डिटेल में बताया जाएगा ताकि उसको समझ आ जाए, और इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड जिस लैंग्वेज को समझे उस लैंग्वेज में बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अक्यूज्ड को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, वो हिंदी में है, देहाती गंवार है और आप बोले जा रहे हो इंग्लिश पट 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 पट, ऐसा नहीं चलेगा। अगर उसको इंग्लिश हिंदी आती है, हिंदी में ही आपको बताना पड़ेगा ऑफेंस, ठीक है, और डिटेल में बताना पड़ेगा। और अगर अक्यूज्ड को इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में ही बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट पर्सन ऑफ ए फीमेल शैल बी एग्जामिन्ड ओनली बाई और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्या बोल रहे हैं कि जो फीमेल है उसको अगर एग्जामिनेशन करना है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वह फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही किया जाएगा। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 53 का सबसेक्शन 2, ठीक है। 53 में मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है और 53 के 2 में यह बात की गई है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर फीमेल ही होनी चाहिए फीमेल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, किस सेक्शन में है? पर्सनल सर्च, अरेस्टेड पर्सन की जो पर्सनल सर्च है वो है सेक्शन 51 में, ठीक है, अंडर सेक्शन 51 सीआरपीसी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। क्या है कि जो रेप अक्यूज्ड है, रेप अक्यूज्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वह किस सेक्शन में है? सेक्शन 53A में है रेप एक्यूज्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 53 में जो एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है वह पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर किया जा रहा है, ठीक है। 53 में पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, किस कैटेगरी का होना चाहिए? वो होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एसआई की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए वो बंदा जो कि एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी
सेक्शन 53A ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द 53A में क्या आएगा, इसमें आएगा पर्सन रेप एक्यूज्ड की बात की गई है 53A में, तो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, रेप एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 53A ऑफ CRPC व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप द अरेस्टी मे बी एग्जामिन्ड बाई ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अदर देन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाई द गवर्नमेंट और बाई ए लोकल अथॉरिटी व्हेन द लेटर इज नॉट अवेलेबल विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। आंसर होगा आपका ए। देखिए दोबारा समझ लीजिए, जब एक पर्सन को रेप एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वो कौन कैसे किया जाएगा, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ या कहीं लोकल अथॉरिटी में कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है वहाँ ले जाओ, ठीक है। और अगर जहाँ जिस जगह पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ से 16 किलोमीटर के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे अदर देन किसी दूसरे में करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 16 किलोमीटर की दूरी किस जगह से नापी गई है, वेयर द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जिस जगह ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर। अंडर विच सेक्शन अरेस्टेड पर्सन कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम हिज मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द कोर्ट, क्या कह रहे हैं कि किस सेक्शन में अरेस्टेड पर्सन अपना मेडिकल एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन दे सकता है, तो ये है सेक्शन 54 में अरेस्टेड पर्सन खुद कह सकता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, ठीक है, जब उसको लगता है कि मैं दोषी नहीं हूँ और फिर भी मुझे फंसाया जा रहा है तो वो खुद भी रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रॉन्ग मैच, आपको रॉन्ग देखना है इसमें कौन सा है, देखिए सेक्शन 200 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन दिया है सेक्शन 200 में, ठीक है, ये आपका सही है। सेक्शन 313 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है, कंप्लेनेंट का तो कितने में है, जो कि कंप्लेंट कर रहा है उसका एग्जामिनेशन सेक्शन 200 में, एक्यूज्ड जिस पर एक्यूज है जो कि एग्जामिनेशन उसका है 313 में, ठीक है। सेक्शन 53 कहता है कि डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाए, और सेक्शन 54 है वो कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, तो आपका ये वाला रॉन्ग है, सेक्शन 54 वाला गलत है आपका, ठीक है, विक्टिम का एग्जामिनेशन नहीं है इसमें, तो आपका 200 में है कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन, एक्यूज का है 313 में, और डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन है 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन अरेस्टेड पर्सन इज टू बी एग्जामिन्ड बाई द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर सच अरेस्ट, किस सेक्शन में अरेस्टेड पर्सन है उसको एग्जामिन किया जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट करने के बाद, तो यह है सेक्शन 54, ठीक है, सेक्शन 54 ऑप्शन आपका आएगा सी ऑप्शन, अरेस्टेड पर्सन को 54 में क्या बताया गया है कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इमीडिएटली एग्जामिन किया जाएगा अरेस्ट करने की, सेक्शन 54 में ये बात की गई है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC, ठीक है, तो आपका क्या निकालना है इसमें, नॉट करेक्ट, तो देखिए एन accused may be asked to undergo medical examination under section 53, accused को medical examination के लिए बोला जा सकता है 53 में, सही है ये, medical examination of person accused of rape is conducted under section 53A, ये भी सही है, 53A में rape accused का है, ठीक है,
एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कहाँ है? 53 में, और रेप एक्यूज्ड का है 53A में। अरेस्टेड पर्सन कैन सबमिट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54। ये भी सही है। सेक्शन 54 में क्या है कि अरेस्टेड पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है मजिस्ट्रेट को कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 54। अरेस्टेड पर्सन की जो रिक्वेस्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन की, उसको मजिस्ट्रेट रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर मान लो डिले करने के उद्देश्य से, इनजस्टिस के उद्देश्य से अगर उसने एप्लीकेशन लगाई है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस ऑफ एग्जामिनेशन, सॉरी, द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाई मेडिकल ऑफिसर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। अरेस्टेड पर्सन का जो एग्जामिनेशन है वो किस में दिया गया है? सेक्शन 54 में है। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका एग्जामिनेशन करना, तो वो अपनी एप्लीकेशन लगाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 54 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन? ये दिया गया है सेक्शन 54A में आइडेंटिफिकेशन है अरेस्टेड पर्सन का, कैसे किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उसके द्वारा उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन किस में दिया गया है? देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 54A में। ठीक है, सेक्शन 54A में है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स हिज सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन अंडर। देखिए, प्रोसीजर किस में दिया गया है? जबकि पुलिस ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को डेप्यूट करते हैं विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए, ये दिया गया है सेक्शन 55 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC? आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये वाला प्रोविजन कहाँ है? ये है आपका 55A में है। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी की बात कही गई है 55A में, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC? तो अभी हमने किया है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, प्रोविजन कहाँ है? 55A में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अरेस्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर मे बी कैप्ट इन कस्टडी। जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको पुलिस ऑफिसर के द्वारा कस्टडी में कितने टाइम तक रखा जा सकता है? 24 आवर्स तक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन अरेस्टेड शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टाइम फॉर जर्नी टू द कोर्ट, कोर्ट का जो जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड करते हुए, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करते हुए पुलिस ऑफिसर ने जिसको अरेस्ट किया है उसको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। ठीक है, क्या है कि किस सेक्शन में मैंडेटरी बताया है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा? आंसर है सेक्शन 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट अंडर सेक्शन 57 ऑफ CRPC। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पर्सन अरेस्टेड बाई पुलिस
must be produced before the judicial magistrate who has the jurisdiction. देखिए पुलिस ने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाएगा जिसके पास की ज्यूरिस्डिक्शन है. इफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल द अक्यूज्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज सो एम्पावर. ठीक है, मतलब जिसके पास जिस जेएम के पास ज्यूरिस्डिक्शन है उसके पास प्रोड्यूस करो. यदि जेएम अवेलेबल नहीं है तो किसके पास लेके जाएंगे? एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर किया गया है. सी ऑप्शन आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. ठीक है, अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा. ये मैंडेटरी होता है. किसमें बताया? सेक्शन 57 में. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड एंड अटेस्टेड बाय वन मेंबर ऑफ. जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है अरेस्टेड पर्सन का उसको साइन किया जाना चाहिए और उसको एटलीस्ट वन मेंबर के द्वारा क्या करवाया जाना चाहिए, मतलब जो कि अरेस्ट जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके अरेस्ट का एक मेमो तैयार किया जाता है. ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? साइन किया जाता है और अटेस्ट किया जाता है. तो वो कौन होता है? एक फैमिली का मेंबर होता है. तो देखिए आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, हिज फैमिली और मेंबर ऑफ द लोकेलिटी. ठीक है, या तो उसके फैमिली का मेंबर हो या लोकेलिटी का मेंबर हो. और काउंटर साइन किया जाएगा किसके द्वारा? अरेस्टेड पर्सन उसको काउंटर साइन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी पुलिस ऑफिसर. जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है वह प्रिपेयर किया जाएगा एवरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा. व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बी, देखिए अरेस्टेड एटलीस्ट बाय वन विटनेस. मैं आपको दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ कि जो अरेस्ट का मेमोरेंडम है वो कौन तैयार करता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाएगा जबकि हम अरेस्ट करेंगे. ठीक है, तो उस मेमोरेंडम में क्या होगा? अरेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस. ये अटेस्टेड है. ठीक है, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, इसको अटेस्ट किया जाएगा वन विटनेस के द्वारा. हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड. जो अरेस्ट किए हुए पर्सन की फैमिली का मेंबर हो और ए रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड एंड शैल बी काउंटर साइंड बाई द पर्सन अरेस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B ऑफ CRPC. ठीक है, मतलब 41B में क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है? तो देखिए, पुलिस ऑफिसर शैल बी एन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम. पुलिस ऑफिसर अपने नाम का एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन बियर करेगा. सही है. नेक्स्ट है, पुलिस ऑफिसर शैल बियर अ विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम. ठीक है, इसमें क्या है? विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उसके नाम का. ठीक है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर और विजिबल होना चाहिए. एंड सी ऑप्शन है, पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी काउंटर साइंड बाई द पर्सन अरेस्टेड. जो पुलिस ऑफिसर है वह मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि काउंटर साइन किया जाएगा अरेस्टेड पर्सन के द्वारा. नेक्स्ट है अपना डी. डी क्या कहता है? पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज़ राइट ऑफ लीगल काउंसिल ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. तो ये आपका रॉन्ग है. वो ये नहीं बताएंगे पुलिस ऑफिसर की आपका लीगल काउंसिल इंटेरोगेशन के दौरान रखने का राइट है. वो किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करने के लिए बोलेंगे. ठीक है, ये उसका राइट है उस पर्सन का, अरेस्टेड पर्सन का. नेक्स्ट है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. जो अरेस्ट का प्रोसीजर है और ऑफिसर ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट,
जो अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर, उनकी ड्यूटीज़ वो किस सेक्शन में बताई गई है? वो बताई गई है 41B में। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 41C ऑफ CRPC स्टेट गवर्नमेंट सेल एस्टेब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम। सेक्शन जो CRPC है उसका 41C के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी, कहाँ पर बनाएगी? स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो 41C बात करता है कंट्रोल रूम की। कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। कहाँ करेगी? स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शैल द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम। ठीक है, कहाँ करेगी? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एट स्टेट लेवल, एट पंचायत लेवल। तो हमारे होंगे डिस्ट्रिक्ट में करेगी और स्टेट लेवल पर करेगी। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एन अरेस्टी। अरेस्टी के राइट्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, आपको ये पूरे कूट मिलान करने वाले क्वेश्चन है ये। देखिए, ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट वारंट जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में किसी को अरेस्ट किया गया है, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड। तो ये सही है, उसको ऑफेंस के पर्टिकुलर बताए जाएंगे कि किस ऑफेंस के अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाई हिम टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अरेस्ट। एक रिलेटिव और फ्रेंड का नाम होगा जो कि उसको अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसको कि। थर्ड है, हैव एन एडवोकेट ऑफ इज चॉइस रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट इंटरोगेशन। थ्रू आउट इंटरोगेशन में नहीं है ये, ड्यूरिंग इंटरोगेशन है। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट इंटरोगेशन वह रख सकता है। बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाई ए मेडिकल ऑफिसर। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। देखिए, इसमें क्या होगा कि पहले ऑफेंस बताना होगा कि किस पर्टिकुलर ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। उसको उसका राइट होगा कि किसी फ्रेंड या नॉमिनी को वह इन्फॉर्म कर सकता है अरेस्ट के बारे में, और वो मेडिकली एग्जामिन करने का भी उसको राइट है कि मैंने ऑफेंस नहीं किया है, आप मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच प्रोविजन एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। यह आएगा 41D में। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41A(1) ऑफ CRPC एज इंसर्टेड बाई CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008, 5 ऑफ 2009 एंड अमेंडेड इन 2010, द पुलिस ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द एलिस्ट अक्यूज्ड दो ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम और सच अदर प्लेस एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस इन ऑल द केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। देखिए, दोबारा समझिए कि CRPC का जो 41A है उसका सब सेक्शन 1 है, उसमें क्या उसको इंसर्ट किया गया है 2008 के अमेंडमेंट से, और 2010 में भी अमेंड किया गया है। क्या बोला है कि पुलिस ऑफिसर एक नोटिस इशू कर सकता है एलिज्ड अक्यूज्ड को कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको जिस स्थान पर जिस समय बोला जाएगा अपीयर होना है। ठीक है, जबकि अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं हो, किस सेक्शन के अंदर अरेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है? 41 के 1 में क्या है? विदाउट वारंट जब अरेस्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज एन अरेस्टेड पर्सन एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। यह ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरोगेशन अरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द CRPC। देखिए, वेयर ए प्राइवेट पर्सन और एन अथोराइज्ड पर्सन हैज ए राइट टू अरेस्ट अ पर्सन एंड हैंड हिम ओवर टू द कस्टडी ऑफ पुलिस, सच प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो मेक सर्च ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन। तो ये आपका गलत है। देखिए, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है और उसको पुलिस कस्टडी में दे सकता है, लेकिन सर्च कौन करेंगे? सर्च करेगा पुलिस ऑफिसर। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेंगे लेकिन सर्च नहीं करेंगे।
तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ आर इंक्लूडेड इन ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। इंक्वायरी और ट्रायल दोनों ही ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है कंप्लेंट मे बी मेड बाई ए पर्सन, ठीक है। कंप्लेंट क्या है, किसी पर्सन के द्वारा की जाती है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ही इज इंजर्ड और अफेक्टेड ओनली मे कंप्लेंट। देखिए क्या कह रहा है कि कंप्लेंट किसी भी पर्सन के द्वारा की जा सकती है और ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन अफेक्ट हुआ है किसी चीज़ से या इंजोर हुआ है वही कंप्लेंट करें, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है। चार्जेज आर फ्रेम्ड ओनली इन वारंट केसेस, देयर इज नो नीड टू फ्रेम चार्ज शीट इन पेटी समन केसेस, ठीक है। वारंट केसेज में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, वारंट केसेज होते हैं उनमें चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। नो नीड टू फ्रेम चार्जशीट फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है पैटी समन केसेज में, यानी छोटे छोटे समन केसेज हैं उनमें चार्जशीट की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब जस्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ CRPC ऑथराइजेज अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कॉग्निजिबल ऑफेंस। आंसर होगा आपका सेक्शन 43। When a private person may arrest any person under the provision of CRPC. देखिए प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है, इफ़ एनी पर्सन कमिट्स, मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ डायरेक्ट, इफ़ एनी पर्सन कमिट्स नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल है, और नहीं आएगा यहाँ पर, एंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंस कमिट्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस, ठीक है। कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है कब, जबकि उसकी खुद की प्रेजेंस में एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस हुआ है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पर्सन कमिटिंग ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देखिए यदि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस किया है उसको अरेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बाई एनी मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा विदाउट वारंट किसको अरेस्ट किया जा सकता है, एनी पर्सन विद इन हिज लोकल ज्यूरिस्टिक्शन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू ए वारंट। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन, कि कोई भी पर्सन मजिस्ट्रेट किसको अरेस्ट कर सकता है, किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में है, ठीक है, और वह वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है। नेक्स्ट करेंगे हम अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट ए पर्सन। सेक्शन होगा 44, ठीक है। मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 के अंदर अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन, सेक्शन 44 के अंदर। विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम अरेस्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर को अरेस्ट से प्रोटेक्शन है, किस सेक्शन में, सेक्शन 45 में। आपका होगा आंसर बी। ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। सही है आपका बी ऑप्शन, तो इसमें ठीक है आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, कि वह कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नॉन बिलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है उसकी प्रेजेंस में इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर तो वह प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरी पुलिस ऑफिसर ऑन मेकिंग अरेस्ट हैज टू फोर्थ विद गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द पर्सन वॉज अरेस्टेड। किसको देगा वह, टू द फ्रेंड रिलेटिव और सच अदर पर्सन
डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अदर पर्सन. आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, कि जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वह फोर्थ भी तो उसको इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, कि पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है. किसको देगा, फ्रेंड को या रिलेटिव को या किसी ऐसे पर्सन को जिसका कि नाम डिस्क्लोज किया है अरेस्टी ने, ठीक है, या अरेस्टी ने उसका नाम नॉमिनेट किया है. आंसर सी हो जाएगा आपका. नेक्स्ट है, हु इज गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ CRPC. आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज. सेक्शन 45 में किसको प्रोटेक्ट किया गया है, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देखिए सारे पढ़िए, यूज वन मिनट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इफ ए पर्सन फोर्सिबली रेसिज द एंडिव्योर टू अरेस्ट हिम. यदि किसी पर्सन को जैसे अरेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर और वह फोर्सिवली ताकत से उसका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, उसको हाथापाई कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर में यूज ऑल द मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट. सही है आपका, ठीक है, सारे मीन्स यूज कर सकता है जो कि अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए आवश्यक है. कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस ही हैज कमिटेड. ये आपका रॉन्ग है. कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन अक्यूज ऑफ मर्डर, ये आपका सही है. कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन अक्यूज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यह भी आपका सही है. क्या है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और वो उसका हाथापाई कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो ऑल नेसेसरी मीन्स यूज कर सकती है पुलिस ऑफिसर, बट रेस्पेक्टिव ऑफ विच ऑफेंस ही हैज कमिटेड. जैसे अगर उसने डेथ का या डेथ का ऑफेंस किया है, LI का कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, या 10 साल से ज़्यादा वाला कोई ऑफेंस किया है, ऐसे में उसको डेथ भी कॉज कर सकती है, लेकिन अदरवाइज डेथ कॉज नहीं कर सकती, ठीक है, फोर्स का यूज कर सकती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ए वुमन कैन नेवर बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC. ये तो आपका गलत है, क्योंकि JM1 की परमिशन से अगर नेसेसरी हो अरेस्ट करना इमीडिएटली तो कर सकते हैं. ए वुमन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट है, ए वुमन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द ऑफेंस हैज ऑफेंस इज कमिटेड और द अरेस्ट इज टू बी मेड. तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, मतलब बिफोर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट कर सकते हैं, किसमें, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए, प्रायर परमिशन लेनी है JM1 की, ठीक है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हो रहा है और अरेस्ट करना है, उसकी परमिशन से आप अरेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल इट बी लॉफुल फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी ए पर्सन हु थ्रोज और लेज डाउन एनी डर्ट फिल्थ रबिश और एनी स्टोन्स ऑन एनी रोड और स्ट्रीट विच कॉजेज इनकन्वीनियंस और अनोयंस टू पब्लिक. आपका आंसर होगा यस, इवन विदाउट वारंट. देखिए क्या बोला है इसमें, कि कोई पर्सन है वो डर्ट डाल रहा है, गंदगी डाल रहा है, स्टोन्स फेंक रहा है रोड पर आते जाते लोगों के ऊपर, तो क्या पुलिस उसको कस्टडी में ले सकती है, लॉफुल है ये, तो विदाउट वारंट ले सकती है, मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट सच ए पर्सन विदाउट एनी वारंट हु इज अंडर सस्पिशन ऑफ डेजर्टिंग एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन. ठीक है, मतलब कौन से पुलिस ऑफिसर की कौन सी रैंक वाला पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को बिना वारंट के, जो कि यूनियन की जो आर्म्ड फोर्सेज है वहाँ से भागा हुआ सस्पेक्टेड है, कौन करेगा, एनी पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो तो डेजर्टेड है ना, ऐसा थोड़ी है कि लोअर रैंक का होगा तो वो सोचेगा कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास पावर ही नहीं है, और वो अगला बंदा भाग जाए, तो ऐसे में कोई रैंक नहीं है, एनी पुलिस ऑफिसर, अगर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन से डेजर्टर है, वो डेजर्टर वाला सस्पेक्टेड है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज अरेस्टेड फॉर हैविंग कमिटेड अ क्राइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिज राइट. पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एक क्राइम कमिट करने के लिए,
ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट हिज राइट, कौन सा उसका राइट नहीं है? यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट फॉर अ रिट ऑफ मैंडमस। ठीक है, एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है कि उसने एक क्राइम किया है, तो उसका राइट कौन सा नहीं है? तो वो मैंडमस की रिट को लेके कोर्ट के पास अप्रोच करे, ये उसका राइट नहीं है। देखो उसका राइट क्या क्या है, टू नो द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है, कि उस अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या है, टू गेट सर्विस ऑफ ए लॉयर, लॉयर की सर्विस लेना, टू अप्रोच द कोर्ट फॉर ए रिट पिटीशन फॉर हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन उसके लिए लगाई जा सकती है, लेकिन मैंडमस की रिट अरेस्टेड पर्सन के लिए नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 41B इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। सेक्शन 41B CRPC का, उसमें कौन सा डिसीजन है? तो इसमें है डी के बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब कि जो सेक्शन 41B है इसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस बताई हुई है कि आपको अरेस्ट करते समय क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो डी के बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गाइडलाइन है। तो ये हमारा चैप्टर 5 कम्प्लीट है यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6। थैंक यू।